हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ रिएक्शंस। मेरा नाम है राज और आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ कुछ अमेजिंग टिकटॉक वीडियोस पर। इनमें से ज़्यादातर वीडियोस इंडिया और पाकिस्तान में से रहेंगे और ये सब वीडियोस मुझे मेरे कज़िन भाई ने सेंड किया है। उसने मुझे बोला है कि मैं ज़्यादातर क्रिंजी टिकटॉक्स पर रिएक्ट करता हूँ, आज कुछ अच्छे टिकटॉक वीडियोस पर रिएक्ट कर ले, तो लेट्स चेक इट आउट। कैसे किया उसने ये, वापस देख रहा हूँ मैं। वेल शायद से मैं भी कर सकता हूँ, लेट मी ट्राई। कैसा रखना है? क्यों ट्राई किया मैंने? एलिफेंट ड्रॉ कर रहा है? क्या ड्रॉ कर रहा है? बर्ड? एलिफेंट बना रहा है? खुद को ड्रॉ कर रहा है? मैं लास्ट 2 मिनट से देख रहा हूं ये एलिफेंट को ड्रॉ करते हुए। दिस इज अनबिलीवेबल। मैं अपने आंखों से देख रहा हूं लेकिन मुझे नहीं पता था कि एलिफेंट्स ड्रॉ भी कर सकते हैं। आई नो कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट लेकिन दिस इज अनबिलीवेबल। बाकी भी एलिफेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। ये आंटी क्या कर रही है? मेकअप कर रही है? इसके झुर्रिया किधर गए? रिंकल्स गायब ही हो गए। What? कैसे ये आंटी ऐसे कैसे दिख रही है अभी? बिफोर एंड आफ्टर देखो आप लोग। ये मुझे अमेजिंग के जगह पे मुझे डरावना लग रहा है। इमेजिन करके देखो कि अगर इस आंटी ने मेकअप लगा के किसी का मर्डर कर दिया, सीसीटीवी कैमरा के सामने मर्डर किया, फिर भी इसको पहचानेंगे नहीं कोई, क्योंकि रियल लाइफ में कितना डिफरेंट दिखती है ये। चलो मर्डर तक तो ठीक है लेकिन अगर आपने इससे शादी कर लिया। उसमें जाने वाला है क्या? क्या कॉन्फिडेंट लग रहा जाएगा करके। कैसे यार, सच्ची में काफी अच्छे वीडियो सेलेक्ट किया मेरे कजिन ने। एक्चुअली मुझे इस पर्सन का कैरेक्टर कितना पसंद आया कि मैंने उसको ढूंढ के एक और वीडियो निकाला उसका। इम्प्रेसिव तो था लेकिन आप इमेजिन करके देखो, ये इतना सब कर रहा था, ये सब कर रहा था और अगर इसके अंदर नहीं जाता था, पॉकेट के अंदर नहीं जाता, कितना शर्मनाक होता। ओहो अरिका, रमजान का ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो है क्या? और बैकग्राउंड में ताजदार हरम, वाह वाह। Wow. ये कौन सा फिल्टर है? जो भी है ये फिल्टर ने मुझे काफी सिंगल फील करवा दिया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. लोगों का बॉडी ऐसा, मुंह कैसा होता है, इतना फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आता है लोगों में? मैं तो इधर खुद के पैरों को टच करने में स्ट्रगल। क्यूट है तो। हेलो टिकटॉक। हेलो टिकटॉक बोला इसने? वाओ।
म्याऊ। पैरट्स को भी मानना पड़ेगा यार, इतने अलग अलग सिर्फ ह्यूमंस का नहीं एनिमल्स का भी साउंड कॉपी कर सकता। अच्छा ये वाला फिल्टर यार मस्त है यार ये फिल्टर। सिर्फ क्लैप कर सकता हूँ। हाउ टू फाइंड अ क्या लिखा था, हाउ टू फाइंड अ क्यूट एंड लॉयल बंदी। डेट मी, ये तो क्रिंज वीडियोस में होना चाहिए था। अमेजिंग टिकटॉक में क्या कर रहा है यार। मेरे कजिन को ये अमेजिंग लगा, शायद उसको आज तक किसी लड़की ने बोला नहीं होगा कि डेट में। मुझे उसको रोस्ट नहीं करना चाहिए इधर बैठ के, क्योंकि उसने इतना मेहनत करके मुझे ये सब क्लिप सेंड किया। अच्छा अर्तुरुल गाजी का म्यूजिक, इसको क्या तुर्कुत बनना। एक्स कुमारा नाइस। म्यूजिक के साथ कर रही, मैं भी नाक हिला सकता हूँ शायद से। ताइक्वांडो, वाओ यार ये फिल्टर सच्ची बहुत अच्छा है। वाओ ऐसे ट्रेंड ज्यादा आने चाहिए यार टिकटॉक पे। दिस इज एक्चुअली वेरी एंटरटेनिंग भी और ब्यूटीफुल भी है। आई फाउंड अ मून शेप्ड लेक इन दुबई डेसर्ट। ये मैनमेड है क्या, मैनमेड है क्या, ये नेचुरल है। ये देख के मुझे थोड़ा सा वो मुस्लिम साइन होता है ना मून और स्टार, ये स्टार नहीं है आई नो बट उसका याद दिला रहा है, जैसे पाकिस्तान के फ्लैग में भी है ना। ये क्या क्रिकेट वीडियो। अच्छा रिवर्स स्वीप, इसका एटीट्यूड तो देखो, गली क्रिकेट में रिवर्स स्वीप मारने के बाद खुद को एबीडी या मैक्सवेल कुछ समझ। नहीं यार गली क्रिकेट हो या इंटरनेशनल क्रिकेट, वो रिवर्स स्वीप शॉट खेलना सच्ची में डिफिकल्ट होता। दिस इज माय न्यू फेवरेट वीडियो। ऑब्वियसली उधर नीचे किसी ने पकड़ा हुआ है इसका हाथ, डॉग का हाथ पकड़ के बजा रहा है, लेकिन इट्स स्टिल सुपर क्यूट। तो या ये थे वीडियोस जो मेरे कज़िन भाई ने मुझे सेंड किया एंड एक्चुअली काफ़ी अच्छे थे, आप लोग को भी मानना पड़ेगा। एंड अगर इस वीडियो को 10,000 लाइक्स मिलता है तो मैं इसको एक सीरीज़ बना दूंगा, जिसमें ना सिर्फ मेरा कज़िन भाई, आप लोग भी सेंड कर पाओगे कुछ अमेजिंग वीडियोस, मुझे सेंड करोगे और मैं रिएक्ट करूँगा, तो पार्ट टू पार्ट थ्री ऐसा बनते जाएगा। बट अगर आपको पसंद नहीं आता है तो ये सीरीज इधर ही एंड हो जाएगा, एपिसोड वन पे ही एंड। और हाँ मुझे ये भी बोलना था कि आकाश इस वीडियो में नहीं था, एक्चुअली आपने आकाश को देखे हुए बहुत टाइम हो गया, मुझे भी, मैं भी बहुत कम वीडियोस रिलीज़ कर रहा हूँ, लेकिन आई ट्राई कि थोड़ा ज़्यादा रेगुलरली वीडियोस को अपलोड करूँ। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, आपको पता ही होगा इंडिया में कोविड का सिचुएशन कैसा है, और मेरे रिलेटिव्स में भी मेरे दो रिलेटिव्स की डेथ हो गई, तो वो सब सुनने के बाद मुझे शूटिंग करने का मन नहीं होता। और एक रिलेटिव आईसीयू में था काफ़ी टाइम से, बट ही इज़ फाइन नाउ, डिस्चार्ज हुआ है लेकिन टोटली फाइन नहीं। बट ये सब जब चल रहा रहता है मेरे दिमाग में तो मैं वीडियो शूट करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं शूट भी करता हूँ मेरा मूड ख़राब रहेगा, आप लोगों को रिएक्शंस में उतना मज़ा नहीं आएगा, और मैं खुद फेक नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा करना है तो कर सकता हूँ, एक्टिंग करूँगा कि मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। उसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ 5 दिन का गैप लग जाए, 7 दिन का गैप लग जाए, लेकिन मैं वेट करता हूँ जब तक मेरा मूड एक्चुअली सुधर नहीं जाता, जिससे कि मैं आप लोग को ऑनेस्ट रिएक्शन भी दे सकूँ और एंटरटेनिंग रिएक्शन भी दे सकूँ। अगर मेरा मूड ख़राब है तो मैं बोरिंग सा रिएक्शन दे दूँगा, और आप लोग को समझ भी जाता है। मैंने एक बार पहले किया था जब मेरा मूड इतना अच्छा नहीं था और आप लोग पूछ रहे थे राज आज आपके मूड को क्या हुआ, तो ऑडियंस भी स्मार्ट है तो
मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, मुझे ऑनेस्ट और एंटरटेनिंग रिएक्शंस देने ही पड़ता है। तो या होपफुली आपको मजा आया होगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।